हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप और हम पढ़ रहे हैं मेडिविल इंडियन हिस्ट्री जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है द वैष्णविक मूवमेंट ठीक है जिसमें हम चैतन्य के बारे में वेदांतिक मोनिज्म ठीक है इवन ए अरबी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी मैं इससे पहले जो आधे से ज़्यादा जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो मैं कवर कर चुकी हूँ और आप नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को यहाँ से हमारा टॉपिक है जो स्टार्ट हो जाता है और इसमें आज का हमारा टॉपिक मैंने आपको बताई दिया वैष्णविट मूवमेंट अपार्ट फ्रॉम द नॉन सेक्टेरियन मूवमेंट लीड बाय कबीर एंड नानक द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया डेवलप्ड दे अराउंड द वर्शिप ऑफ राम एंड कृष्णा एंड टू ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु देखिए हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कबीर जी के बारे में पढ़ा था और हमने नानक जी के बारे में पढ़ा था और ये ऐसे सेक्ट से बिलोंग करते थे जो किसी पर्टिकुलर किसी धर्म को लेके नहीं बताना चाहते थे ना ये चाहते थे कि इनकी जो टीचिंग्स है आगे चल के वो किसी धर्म को बना दे हालांकि वो अलग बात है कि नानक जी की जो टीचिंग्स थी वो इतनी पावरफुल थी कि आगे चल के उसी से हमें जो सिख धर्म है वो देखने के लिए मिलता है लेकिन इनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि किसी धर्म को बनाना चाहते थे जो भक्ति मूवमेंट है वो नॉर्थ इंडिया में फैल रहा था बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था और भक्ति मूवमेंट में जो वर्षिप होती थी वो किन की होती थी राम और कृष्णा और साथ में इनके अवतार की ठीक है किसके अवतार की गॉड विष्णु के अवतार की मतलब जो ये राम और कृष्ण हैं इनको किसका अवतार माना गया है तो गॉड विष्णु का अवतार माना गया है यहाँ पर जो कृष्ण हैं उनके बचपन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि किस तरह से वो गोकुल में रहते थे वो एक जो गाय वगैरह चलाते हैं वो वाला काम करते थे ठीक है और जो कृष्णा है ठीक है उनके साथ साथ जो राधा है उनके बारे में भी काफ़ी बताया हुआ है दोनों की स्टोरीज को बताया हुआ है बहुत सारे जो सेम पॉइंट्स से हैं वो उनके बारे में बताते हैं और इसको जगह जगह जाके जैसे कि फिफ्टीन और सिक्सटीन सेंचुरी में इनकी कहानियों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं द यूज़ द लव बिटवीन द राधा एंड द कृष्ण इन एलिगोरिकल मैनर टू डिपिक द रिलेशनशिप ऑफ लव इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स यहाँ पर जो ये संत वगैरह थे ये इनकी रिलेशनशिप को इनके बीच के जो लव था राधा और कृष्ण इसको एक अलग ही तरीके से बताते हैं कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं जैसे हम कहते हैं ना कि जो राधा और कृष्ण थे वो अलग नहीं थे मतलब उनका जो लव था उनका जो प्यार था वो इतना सच्चा था कि और मतलब कहते हैं ना सोलमेट तो दोनों को एक ही बताया है तो यहाँ पर उन्होंने उनकी रिलेशनशिप को इतने ब्यूटीफुली यहाँ पर डिपिक्ट करने की कोशिश करी है जो वो लव की जो फॉर्म है उसको एक अलग ही तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है ठीक है आगे है लाइक द अर्ली सूफी चैतन्य पॉपुलराइज म्यूजिकल गैदरिंग और द कीर्तन एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस एन विच द आउटसाइड वर्ल्ड डिसअपियर बाई डिंग ऑन गॉड्स नेम यहाँ पर जब हमने पहले सूफीज्म पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो सूफी जो uh, सूफीज्म में जो uh, वो थे uh, सूफी जो सेंट वगैरह थे वो वो गाते थे कव्वाली गाते थे तो सेम वैसे ही अगर हम बात करें जो चैतन्य थे जो चैतन्य जीते उन्होंने भी एक म्यूजिकल गैदरिंग रखी जिसे कीर्तन कहा गया भक्ति जो मूवमेंट है या आज भी जो हिंदू होते हैं उनके घरों में कीर्तन वगैरह होते हैं तो उसमें होता क्या है वो एक म्यूज़िकल गैदरिंग की तो होती है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और कीर्तन वगैरह करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ करी गई और इसमें भगवान को याद किया जाता है उनसे रिलेटेड यहाँ पर जो म्यूज़िकल uh, जो भी जो परफॉर्मेंस वगैरह वो की जाती है उन्हीं के नाम से की जाती है तो अकॉर्डिंग टू चैतन्य वर्शिप कंसिस्ट ऑफ लव एंड डिवोशन एंड सॉन्ग एंड डांस विच अ स्टेट ऑफ एक्टेसी इन विच द प्रेजेंस ऑफ गॉड होम ही कॉल्ड हरी एंड बी रियलाइज तो उनका यही मानना था कि ये सब करने से क्या होता है यहाँ पर हम लव और डिवोशन दिखाते हैं भगवान के लिए अपना सच आ वर्शिप कुड बी कैरिड बाई ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और क्रीड और ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई कि इस तरह की जो वर्शिप है ये हर कोई कर सकता है बिना किसी जात धर्म के ओके द राइटिंग ऑफ नर्सिंग नरसिन्हा मेहता इन गुजरात ऑफ मीरा इन राजस्थान सूरदास वेस्ट उत्तर प्रदेश चैतन्य इन बंगाल उड़ीसा रिच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट ऑफ लिरिकल फेवर एंड लव ऑफ विथ ट्रांसेंडेड ऑल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कास्ट एंड क्रीड तो यहाँ पर बताया है कि गुजरात में नरसिन्हा ठीक है जो मीरा थी वो राजस्थान से बिलोंग करती थी सूरदास ने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो चैतन्य थे वो बंगाल से ये सारे लोग वो थे जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को बहुत ही अलग तरीके से लोगों तक फैलाया जहाँ पर किसी भी कास्ट या क्रीड को नहीं देखा गया सभी बाउंड्रीज को क्रॉस करके इन्होंने इस चीज़ को दिखाया कि इसे हर कोई कर सकता है यहाँ कोई जात धर्म जैसी चीज़ें नहीं आएंगी जो अब तक चलती आ रही थी दी सेंट्स वर प्रिपेयर टू वेलकम इन टू देअर फोल्ड एवरी वन ये जो सन थे ये सब मतलब ये क्या चाहते थे कि हर तरह का जो लोग हैं वो इनके पास आए ठीक है और ये हर तरह के जो लोग हैं उनको उपदेश दें दिस इज सीन मोस्ट क्लियरली इन द लाइफ ऑफ चैतन्य और खासकर जो चैतन्य जी की लाइफ थी उन्होंने की अगर आप लाइफ देखोगे तो उसमें आपको यही चीजें देखने के लिए मिलेगी कि वो इंसान जात धर्म से बहुत दूर थे वो अगर गॉड को यहाँ पर उनके बारे में कुछ पीचिंग्स वगैरह अगर करना चाहते थे तो उन्होंने ये कास्टिज्म को बीच में कहीं नहीं आने दिया बल्कि उसको हटाने का ही काम करा बॉर्न एंड स्कूल इन नादिया विच वॉज सेंटर ऑफ वेदांतिक तो यहाँ पर बताया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था नादिया में हुआ था चैतन्य स्टैंड्योर ऑफ लाइफ वॉज चेंज वैन ही विजिटेड गया एट द एज ऑफ ट्वेंटी टू एंड वॉज इनिशिएटेड इन टू अर कृष्णा कर्ल्ट बाय द रिकल्स इसे बताया है कि इनकी लाइफ में एक बड़ा चेंज हमें तब देखने के लिए मिलता है जब ये 22 साल की उम्र में गया में जाते हैं और कृष्णा कल्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं ही बिकेम अ गॉड इंटॉक्सिकेटेड डिवोटी एंड हु वॉज इंस्टेंटली अटर्ट द नेम ऑफ कृष्णा और जब ये इस कृष्णा कल्ट के साथ जुड़ते हैं वहीं पर ही इनको जो गॉड है उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो जानने के लिए मिलती हैं उसके बाद ये यहाँ पर बा, जो भारत है उसके अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं जिसमें वृंदावन भी होता है और कृष्णा कर्ल्ड को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं बट मोस्ट ऑफ दिस टाइम व स्पेंड एंड गया लेकिन ज़्यादा जिनका टाइम है वो गया में बीता है ही एक्जर्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लेकिन जो इनका ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलेगा आपको ईस्टर्न पार्ट में जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर मिलेगा अट्रैक्टेड अ वाइड फॉलोइंग इंक्लूडिंग सम मुस्लिम्स एंड पीपल फ्रॉम द लो कास्ट इनकी जो टीचिंग्स थी उनसे ना केवल सिर्फ हिंदू बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे और जो लो कास्ट के जो लोग थे वो भी इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि आप जो स्ट्रक्चर्स हैं मूर्ति पूजा है ठीक है थीके? वो मत करो ही कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लिस्ट ठीक है तो इन्होंने इस चीज़ को मना भी नहीं करा कि मतलब जो लोग कर रहे हैं ठीक है करने दो ऑल द सेम पॉइंट्स मैंशन अबव रिमेन विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म देर फिलोसफिक बिलीव वॉज अ ब्रांड ऑफ वेदांतिक मोनिज्म इम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ गॉड एंड द क्रिएटिव वर्ल्ड देखो बहुत सारे उस समय जो पोइट्स वगैरह थे उनका मतलब जो समय जो मूवमेंट वगैरह चला रहे थे ना बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनका ये मानना था कि जो गॉड है ना उसको आपको अलग अलग मानने की ज़रूरत नहीं है वो एक ही है वो हमेशा उसको यूनाइट करके रखने की कोशिश करते थे कि जो गॉड है और यहाँ पर जो क्रिएटर है वो अलग अलग नहीं है बल्कि वो एक ही है मतलब भगवान और इस दुनिया को बनाने वाला एक ही है द वेदांतिस्ट फिलासफी हैड बीन प्रोपाउंडेड बाय अ नंबर ऑफ थिंकर्स बट वन हु प्रोबेबली इन्फ्लुएंस द सेम पॉइंट द मोस्ट वॉज वल्लभ वैसे तो बहुत सारे वेदांत वेदांतिस्ट फिलोसफर थे लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा जो नाम है वो उनका नाम है वल्लभ ठीक है अत्यलंग ब्राह्मण ये ब्राह्मण थे ये वो लिव इन द लास्ट पार्ट ऑफ़ द फिफ्टीन एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द सिक्सटीन सेंचुरी तो ये इनका टाइम पीरियड बता रखा है कि फिफ्टीन सेंचुरी और सिक्सटीन सेंचुरी में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे द अप्रोच ऑफ दिस सेम पोइट्स वर ब्रॉडली ह्यूमेस्टिक ठीक है तो ये इंसानियत में भरोसा रखने वाले इंसान थे और इन्होंने उन्हीं ह्यूमन सेंटीमेंट्स को सबसे आगे रखा अपनी जिंदगी में लव एंड ब्यूटी इन ऑल देअ फॉर्म ठीक है ना कि लव और ब्यूटी वो भी हर तरीके से लाइक द अदर नॉन सेक्टेरियन दे वर नॉट एबल टू मेन एन इफेक्टिव ब्रीच इन द कास्ट सिस्टम एंड हाउ एवर दे सॉफ्ट एंड इट्स रिगर एंड बिल्ड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ यूनिटी विच कुड बी अप्रेंडेड बाय द वाइडर सेक्शन तो इन्होंने एक यूनिटी बनाने की कोशिश करी अपनी विनम्रता से एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द देंट पॉइंट वर रेसिप्रोकेटेड टू अ रिमार्केबल डिग्री बाय द सूफी पॉइंट्स एंड द सेंट ऑफ सेंट ऑफ दिस पीरियड तो ये जो टाइम पीरियड था ये ऐसा था कि इसमें बहुत सारे सूफी पॉइंट थे जो सेंट्स वगैरह थे उन्होंने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे काम करे बहुत सारा ऐसा चेंज करा जो सही में रिमार्केबल था During the 15th century, the monistic idea of the great Arab philosopher Ibn e Arbi become popular among broad section in India. अब यहाँ पर एक Arab philosopher आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका नाम है Ibn e Arabi. इन्होंने भी monistic ideas को फैलाया और इंडिया में एक बहुत ही बड़े section पे फैलाया जो काफी famous होता है. Arbi had been vehemently denounced by the orthodox element and his followers persecuted because he held that all beings are essentially one. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कुछ ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट ऐसे थे जो इनके खिलाफ पहुंच गए अरबी है ना इनके खिलाफ पहुंच गए क्योंकि जो ये बाकी जो ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट थे ये ऐसे थे कि जो खुदा की बराबरी किसी से भी नहीं करना चाहते थे यहाँ पर क्या कहा गया है कि गॉड और क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड वो एक ही है ठीक है और वो खुदा सब में बसता है ऐसा कहा गया है अरबी के द्वारा लेकिन यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे वो नहीं चाहते थे कि खुदा के बराबरी किसी से भी की जाए क्योंकि उनके लिए सबसे ऊपर खुदा था तो वो उनको ये इनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी

कॉन्टैक्ट विद योगीज़ इन हिंदू सेंस वेंट अ लॉन्ग बे इन पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनीथिजम एंड द इंडियन सुफीज स्टार्ट टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन संस्कृत एंड हिंदी एंड अ फ्यू ऑफ दैम इंक्लूडिंग मलिक महमूद जैसी कम्पोज थे और वर्क इन हिंदी यहाँ पर ये जो चीज़ें थी ये इतनी अच्छे से चली कि बहुत सारे जो इंडियन सुफीज थे उन्होंने संस्कृत में इंटरेस्ट दिखाया हिंदी में इंटरेस्ट दिखाया जैसे कि जो मलिक महमूद जैसी हैं उन्होंने अपने बहुत सारे जो अकाउंट्स वगैरह थे उनको हिंदी में लिखा भक्ति सॉन्ग ऑफ़ द वेस्ट विथ सेंट्स रिटर्न इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजिज़ टच द हार्ट ऑफ सूफ़ी बहुत सारे भक्ति सॉन्ग ऐसे थे जिन्हें हिंदी में लिखा गया है और और दूसरी जो लैंग्वेजेज़ है उसमें भी लिखा गया जिससे कि वो जो सूफी जो सेंट्स थे उन तक पहुंची और यहाँ तक कि जितना वो एक हिंदू uh, के मतलब जो हिंदुज़म में जिन, जिन, जिनको जितना पसंद किया गया उतना जो सूफी सेंट थे उन्होंने भी पसंद किया गया बाद में यहाँ तक कि वो भजन वगैरह जो पर्शियन पोइट्री है उस पर भी लिखे गए द यूज़ ऑफ हिंदी सॉन्ग्स बिकम सो पॉपुलर डैट द एमीनेंट सूफी अब्दुलवाहिद बिल ग्रामी रॉड ट्रिटाइज हकीक़े इन हिंदी इन विच ही ट्राई टू एक्सप्लेन द वर्ड इज कृष्णा यहाँ तक कि बाद में एक सूफ़ी आते हैं अब्दुलवाहिद उन्होंने बहुत सारे जो सॉन्ग्स वगैरह थे उसको हिंदी सॉरी उनको उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा जिससे कि वो जो कृष्णा जो वर्ड है ठीक है ना कृष्णा मुरली गोपी राधा यमुना उसको वो अच्छे से समझ सके और अपनी जो दूसरे जो अपने उनके रिलीजन के जो लोग हैं उन तक उस बात को पहुंचा सके और इस सब को इन्होंने किस चीज़ के अंदर लिखा हकीक़ हिंदी के अंदर लिखा किसने लिखा वाहिद ने लिखा कौन ये एक सूफ़ी थे दस ड्यूरिंग द फिफ्टीन एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द सिक्सटीन सेंचुरी द भक्ति एंड द सूफी सेंट हैड वर्क आउट इन अ रिमार्केबल पैनल इन अ कामन प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सेक्स एंड क्रीड कुड मीट एंड अंडरस्टेंड ई तो यहाँ पर जो फिफ्टीन सेंचुरी और सिक्सटीन सेंचुरी का जो अर्ली टाइम पीरियड था वो ऐसा था कि जिसमें भक्ति और सूफी सेंट्स ने ऐसा काम करा जो सही में सराहनीय था एक कॉमन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जिसमें बहुत सारे लोग इनको इनसे जुड़ते हैं इनको समझते हैं यहाँ जात पात से ऊपर का काम होता है और सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं एंड दिस वॉज द असेंशियल बैकग्राउंड टू द आइडियाज़ ऑफ अकबर और कहीं ना कहीं अकबर ने जो आइडिया लिया था वो यहीं से लिया था क्योंकि वो भी तो शुरू करवाता ना बहुत सारे उसके मन में एक अलग ही रिलीजन को लेकर अलग ही हम कहेंगे वो अलग तरह से सोचता था उसका ये नहीं था कि सिर्फ उसको अपने धर्म को ऊपर बढ़ा रहा है वो हर धर्म को समझना चाहता था एंड इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ तो और यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन इसीलिए उसके टाइम पर आप देखोगे कि हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है यूनिटी ऑफ़ ऑल रिलीजन तो ये था हमारा वेस्टमिट मूवमेंट जो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ क्या होगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं थैंक यू